दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के साथ आज पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने सतना पहुंचे। सतना के एक निजी होटल में हुए कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल और भगवत मान द्वारा न सिर्फ दिल्ली और पंजाब के मॉडल का बखान किया गया बल्कि मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद लागू करने की भी घोषणा कर दी गई, जिस पर कार्यकर्ताओं और दर्शकों की खूब तालियां बजी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर जनता को बिना पावर कट के 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, पुराने बिल्स माफ किए जाएंगे, नागरिकों के लिए शिक्षा की गारंटी होगी, बेटों जगरों को भत्ता दिया जाएगा, महानगर सत्र की व्यवस्था सुविधाएं और मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद किया जाएगा और भ्रष्टाचारी से रिकवर पैसे से आम नागरिकों को सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जनता को काम के लिए सरकारी विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और अधिकारी कर्मचारी खुद जनता के घर पहुंचेंगे। केजरीवाल द्वारा तो केवल जनता और विकास की बात की, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान द्वारा केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। कार्यक्रम में केजरीवाल और भगवत मान द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के आम आदमी पार्टी का गारंटी कार्ड भी प्रकाशित किया गया। सतना से संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मुझे पता चला है मध्य प्रदेश में एक मामा है, उस मामा ने अपने भांजे भांजियों को बहुत धोखा दिया है कि नहीं दिया है, अब उस पर भरोसा मत करना। पंजाब में करना शुरू कर दिया, मध्य प्रदेश में अगर आप मौका देंगे तो मध्य प्रदेश में भी करके दिखाएंगे। आज ये जो हमारे हाथ में एक चीज है, इसको संभाल के रखिएगा। ये दूसरी पार्टियों की तरह फालतू का पत्र, संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो, ये वो नो, ये वो नहीं है। इसमें जो लिखा है वो पूरा होगा, ये गारंटी है। जैसे और है भी केजरीवाल की गारंटी, जैसे गंगा मैया की धारा उल्टी चल नहीं सकती, गंगा मैया की धारा उल्टी चल नहीं सकती, वैसे ही केजरीवाल की दी हुई गारंटी बदल नहीं सकती। गारंटी होमवर्क करके देते हैं, कितने पैसे लगेंगे इसमें, ऐसे नहीं नोट कर देते हम, कितने पैसे चाहिए, कहां से वो पैसा आएगा, हर गारंटी में हिसाब किताब होता है। इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे हैं, पैसे का हिसाब किताब तो हमारे प्रधान से ज्यादा कौन जानता होगा। रोजगार की गारंटी, दिल्ली में 12 लाख से ज्यादा नौजवान लड़के लड़कियों के लिए रोजगार पैदा कर चुके हैं दिल्ली में। रोजगार पंजाब में एक साल हुआ है अभी सरकार बने हुए, 31,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में लाखों की गिनती में टाटा स्टील भी आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां पंजाब में निवेश करने के लिए आ रही हैं, क्योंकि सरकार में विश्वास बन गया, लोगों को यह लगने लगा यार अच्छी सरकार है। तो गारंटी रोजगार की, मुझे कल ही किसी ने भेजा है, कहते जी मध्य प्रदेश जा रहे हो,
ये बोल देना। कहते जी पहले एक लाइन थी, पहले एक लाइन थी, कोई एडवर्टाइजमेंट आती थी के ठंडा मतलब कोका कोला, और आजकल एक लाइन चल रही है अनपढ़ मतलब नरेंद्र मोदी। तो ठंडा मतलब अनपढ़ मतलब क्या मतलब तुम्हारा बोलिए। चौथी पास, चौथी पास राजा हमारे। रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी है कि नहीं है? आज हर घर के अंदर बेचारा कोई ना कोई बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। दिल्ली में हमने 2 लाख सरकारी नौकरियां दी और 12 लाख प्राइवेट रोजगार पैदा किए, 12 लाख प्राइवेट रोजगार। पंजाब में अभी 1.5 साल हुआ है सरकार बने, पंजाब में 31,000 सरकारी नौकरियां दी हैं 1.5 साल के अंदर, और 3 लाख प्राइवेट नौकरियां देने का इंतजाम कर रहे हैं भगवंत मान साहब। हमें नौकरी देनी आती है, हमारी नीयत साफ है। मध्य प्रदेश में भी हर बेरोजगार बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलता हर बेरोजगार को 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। सरकारी नौकरियां मिलनी शुरू हो गई, मध्य प्रदेश